शोएब इब्राहिम वो चमकते सितारे हैं जिनकी बात बहुत ही निराली है। दुनिया से बेपरवाह, बस उनके सपने ही उनके दुनिया है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम कर जाती है। बस इसी विश्वास और भरोसे के साथ शोएब भोपाल की उन गलियों को छोड़ आंखों में ढेर सारे सपने लिए आ गए हैं अपने सपनों के नगरिया में। शोएब का जन्म 20 जून 1987 को भोपाल में हुआ था। शोएब अपनी माँ के एक लौते दुलारे बेटे हैं। उनके पापा के वो बेहद करीब है और शोएब हूबहू अपने पापा जैसे दिखते हैं। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम सबा इब्राहिम है। शोएब पूरी शिद्दत के साथ अपने मजहब को फॉलो करते हैं। शोएब सलमान खान और शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है। शोएब को खाने में चिकन बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद है। शोएब जब अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आए तो वो अपने माँ पापा को भी साथ लेके आए। उनका कहना है, माँ को कैसे छोड़ देता, माँ के कदमों में तो जन्नत है और पापा उस जन्नत का दरवाजा। यूं तो शोएब ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत सीरियल रहना है पलकों की छाव में से की थी। शो में उनके ऑपोजिट भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन अमरपाली थी, बट उनको पहचान ससुराल सिमर का से मिली, जहां उनकी मुलाकात दीपिका कक्कर से हुई। दोनों शो में पति पत्नी के किरदार में थे। दोनों तो पहले सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहे, पर दोनों में प्यार तब हुआ जब दीपिका को शोएब की कमी महसूस होने लगी शोएब के ससुराल सिमर को छोड़ने के बाद। पर उन दिनों दोनों अपने अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे और खुद को टाइम देते हुए शोएब ने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी समझा। शोएब कुछ टेलीविजन शोज करने के बाद फिल्मों में अपना लक आजमाने निकल पड़े और उन्हें फिल्म बटालियन 609 में बतौर हीरो, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखाई दिए। पर फिल्म जब बन के रेडी हुई तो उसके कई साल बाद रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। पर शोएब का सपना पूरा हुआ। उनका कहना है, उनके माँ पापा उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे और उनका सपना शोएब ने पूरा किया। शोएब ने लगभग 3 साल का ब्रेक लिया छोटे पर्दे से। शोएब को शायद छोटे पर्दे की ऑडियंस ढेर सारा प्यार करती है, इसलिए शोएब ने सीरियल कोई लौट के आया है के साथ टेलीविजन के दुनिया में की वापसी। शो में उनके ऑपोजिट सुरभि ज्योति थी। शो में शोएब फिर एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में दिखे। शोएब एक्टर तो अच्छे है ही, वो एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर भी है। इसी खूबी के चलते शोएब दीपिका के साथ नच बलिए सीजन 8 में पार्टिसिपेट हुए। दोनों की डांस केमिस्ट्री कमाल की थी। उनके परफॉर्मेंस को खूब वाहवाह मिली और शो के दरमिया ही दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। शो के एक एपिसोड में शोएब ने दीपिका को बड़े फिल्मी वे में प्रपोज किया। शो के विनर्स तो शोएब दीपिका नहीं बन पाए, पर दोनों ने बहुत लोगों के दिल जीते और शोएब को मौका मिला उनके सबसे फेवरेट हीरो सलमान खान के सामने परफॉर्म करने का और शोएब ने लाजवाब डांस किया। अब शोएब की जिंदगी का बहुत खूबसूरत मोड़ आने वाला था और वो था दीपिका से उनकी शादी। वैसे तो 21वीं सदी होने के बाद भी इंसानी जज्बातों से भी ज्यादा मजहब, जात पात आज भी बहुत मायने रखते हैं। पर वो कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है, और इनकी सच्ची मोहब्बत के आगे मजहब आड़े नहीं आ पाया। और फिर शोएब की दीपिका से एकदम राजश्री फिल्मों की तरह शोएब के होम टाउन भोपाल के हमीरपुर गांव में शादी हुई। शोएब ने अपने गांव के पुराने घर में शादी करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि शोएब के माँ पापा की शादी भी उनके गांव में उसी घर में हुई थी। और फिर क्या था, पूरे ढोल बाजे और बारात के साथ शादी की तैयारियां होने लगी। इनकी शादी को बहुत ही निजी मामला रखा गया था, मीडिया के नजरों से बिल्कुल दूर। कुछ ही खास लोग जैसे एक्ट्रेस फलकनाज, ज्योत्सना चंदोला और शोएब की अजीज दोस्त अभिषेक शर्मा शादी में शरीक हुए। हर फंक्शन कभी हम आपके है कौन तो कभी हम साथ साथ है की याद दिलाता। 22 फरवरी को इनका रिसेप्शन हुआ जिसमें टेलीविजन की कई नामी हस्तियां नजर आई। भारती सिंह, सुरभि ज्योति, गुरमीत चौधरी, सनाया ईरानी, मोहित सहगल, शरद केलकर जैसे कई चेहरे दिखाई दिए। शोएब की जिंदगी में अब जब सब ठीक चल रहा था तभी वो एक कंट्रोवर्सी में आ गए और वो ये कि शोएब ने दीपिका से शादी करने के लिए रिलीजन कन्वर्ट करवाया। यहाँ तक कहा गया कि उनके शादी के कार्ड पर भी दीपिका का नाम फैजा था, पर शोएब ने इन सारी बातों को अफवाह कहते हुए कहा, वी आर वेरी लिबरल फैमिली एंड रिलीजन हैज नेवर प्लेड हैवॉक इन आवर लाइव्स। दीपिका इज फ्री टू फॉलो व्हाटएवर रिलीजन शी वांट्स टू, हिंदू और मुस्लिम। आई लव द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म टू। डज दैट मीन आई कांट फॉलो इट? I celebrate Christmas, so does that mean I'm converting to one? Or should I start following Christ? Come on, we are living in the 21st century, so let's live and happily coexist.
Why do we need to make religion barriers to a happy and prosperous life? अब शोएब ने सीरियल जीत गए तो पिया मोरे से एक बार फिर मारी छोटे पर्दे पर धमाकेदार एंट्री। उनके किरदार वरुण ने खूब वाह-वाह लूटी, पर इस बीच एक बार फिर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर वो ट्रोल हुए। शोएब के शो में उनके ऑपोजिट येशमा रुगानी थी, जिनके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप डे पर एक नॉर्मल फोटो पोस्ट की और फिर उन्हें बड़े अजीबोगरीब कमेंट आने लगे। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो दीपिका को चीट कर रहे हैं, जबकि उस फोटो को खुद दीपिका ने ही क्लिक किया था। और फिर वो दिखाई दिए सीरियल इश्क में मरजावा में अभिमन्यु के किरदार में, जहां वो एक देसी अवतार में नजर आए थे। शो में शोएब काफी कम वक्त के लिए थे, पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। कैसे लगी आपको शोएब के किस्से कहानियां, हमें बताना ना भूले कमेंट सेक्शन के जरिए। और आप किस टेलीविजन एक्टर या एक्ट्रेस की कहानी देखना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं। टेलीविजन की ढेर सारी खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।